पीरियड्स हर महीने महिलाओं के लिए किसी चुनौती की तरह आते हैं। जरा सोचिए अंतरिक्ष में क्या हाल होता होगा। पहले माहवारी की वजह से महिलाओं को अंतरिक्ष मिशनों से दूर रखा जाता था। किंग्स कॉलेज लंदन की स्त्री रोग विशेषज्ञ और शोधकर्ता वर्षा जैन, जो अंतरिक्ष उड़ान में मासिक धर्म पर हाल ही में प्रकाशित एक पेपर की लेखिकाओं में से एक थीं, उन्होंने कहा, जब महिलाएं पहली बार अंतरिक्ष में गईं, तो यह पता नहीं था कि इसके क्या प्रभाव होंगे। रूस की वेलेंटीना तेरेश्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वह 1963 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। उनके बाद 60 से ज्यादा महिलाएं स्पेस में जा चुकी हैं। तमाम चिंताओं से परे यह पता चला है कि जबकि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान मानव शरीर की अधिकांश प्रणालियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं, वहीं महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतरिक्ष में भी महिलाओं को पृथ्वी की तरह ही पीरियड्स आते हैं। माइक्रोग्रेविटी के मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो पर कोई असर नहीं होता है। तमाम महिला एस्ट्रोनॉट ने भी अंतरिक्ष मिशनों के दौरान माहवारी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या की जानकारी नहीं दी। गायनकोलॉजिस्ट्स के अनुसार महिलाएं अंतरिक्ष में भी अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल मैनेज कर सकती हैं। वे चाहें तो पीरियड्स आने दें या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों के जरिए उन्हें दबा दें। कई महिला अंतरिक्ष यात्री स्पेस फ्लाइट के दौरान पीरियड्स को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों का विकल्प चुनती हैं। एस्ट्रोजन युक्त इन गोलियों को पीरियड्स की ब्लीडिंग से बचने के लिए लगातार लिया जा सकता है।